नमस्कार आदाब, मेरा नाम है दिव्यांशी और शुरू हो चुका है द सिनेमा शो। कल के शो में हमने आपके कमेंट्स पढ़े, आपने केआरके को कंगना बुलाया, शाहरुख पर प्यार लुटाया और मेकर से रेस 4 ना बनाने के लिए हाथ भी जोड़े। आप में से कई लोगों ने यह भी कहा कि रेस 4 में सैफ अली खान को ही होना चाहिए। खैर, रेस 4 बनाने के बाद रेस 3 का जहर उतरेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हम बताते हैं आपको फिल्मी दुनिया से जुड़ी आज की बड़ी और जरूरी खबरें। पहली खबर इंटरनेशनल सिनेमा से। हॉलीवुड की 3 बड़ी फिल्में एक्वामैन 2, नाइव्स आउट 2 और जॉन विक 4 पर काम शुरू हो गया है। एक्टर जेम्स वैन ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाने की जानकारी दी। इस मूवी को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज किया जाना है। वहीं जॉन विक 4 की शूटिंग इसके थर्ड पार्ट के तुरंत बाद शूट की जानी थी, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते केसेस को देखते हुए इसे रोक दिया गया था। मगर 28 जून से इस पर फिर से काम शुरू हो गया है। मूवी की शूटिंग फ्रांस, जर्मनी, न्यूयॉर्क सिटी और जापान में की जाएगी। जिमी शेरगिल और आशा नेगी की अपकमिंग फिल्म कॉलर बॉम्ब का ट्रेलर 28 जून को रिलीज कर दिया गया है। कहानी एक सेलिब्रिटी कॉप की है। ट्रेलर देखकर पता चलता है कि जिमी के किरदार यानी मनोज और उनकी टीम एक सुसाइड बॉम्बर को पकड़ने में लगे हुए हैं। इस ट्विस्ट एंड टर्न वाली स्टोरी को डायरेक्ट किया है ज्ञानेश जोटिंग ने, जो इससे पहले मराठी फिल्म राक्षस बना चुके हैं। कॉलर बॉम्ब फिल्म को 9 जुलाई से डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर देखा जा सकेगा। सिनेमा शो के एक एपिसोड में हमने आपको बताया था कि विक्रांत मेसी और कृतिक हरबंदा जल्द ही फिल्म 14 फेरे में दिखाई देने वाले हैं। देवांशु सिंह के डायरेक्शन में बनने वाली इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म को मनोज कलवानी ने लिखा है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि इसे Z5 पर प्रीमियर किया जाएगा। 28 जून को मूवी का एक छोटा सा प्रोमो रिलीज किया गया, जिसे शेयर करते हुए कृति ने बताया कि जुलाई महीने में इसे रिलीज किया जाएगा। वैसे जुलाई की किस तारीख को इसे प्रीमियर किया जाएगा, अभी तक इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। डायरेक्टर देवांशु सिंह की बात करें तो वह इससे पहले चिंटू का बर्थडे का डायरेक्शन कर चुके हैं, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था। धर्मा प्रोडक्शन ने अपने अगले प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कर दी है। करण जौहर ने ट्वीट करके बताया कि वो जल्द ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके सी शंकरन नायर पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। शंकरन नायर ब्रिटिश भारत सरकार की कैबिनेट वाइसरॉय की कार्य परिषद के मेंबर भी रह चुके हैं। फिल्म की कहानी उनकी जिंदगी पर होगी। साल 1919 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग घटना के बाद इन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। फिल्म की कहानी द केस दैट शुक द एम्पायर बुक पर बेस्ड होगी, जिसे सी शंकरन नायर के पड़पोते रघु पलट और उनकी वाइफ पुष्पा ने लिखा है। मूवी को डायरेक्ट करेंगे करण सिंह त्यागी। ट्वीट में यह भी बताया गया कि जल्द ही फिल्म की कास्टिंग को रिवील कर दिया जाएगा। रणवीर सिंह जल्द ही रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस में नजर आने वाले हैं। पिछले साल नवंबर में ये फ्लोर पर आई थी। अब खबर है कि इसके डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीद लिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्कस के सैटेलाइट राइट्स को जी नेटवर्क और थिएटर राइट्स को रिलायंस एंटरटेनमेंट ने खरीदा है। मेकर्स ने फिलहाल मूवी की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है। फिल्म गुलजार की कल्ट कॉमेडी फिल्म अंगूर पर बेस्ड होगी, जिसमें रणवीर के साथ जैकलीन और पूजा हेगड़े भी दिखाई देंगी। टीवी के फेमस सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 के कंटेस्टेंट सवाई भट्ट एलिमिनेट हो गए। उनके निकल जाने से दुखी फैंस के लिए एक गुड न्यूज आई है। शो के जज और सिंगर हिमेश रेशमिया ने सवाई को लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर सवाई के साथ फोटो शेयर की और लंबे चौड़े पोस्ट में अपकमिंग एल्बम की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, कंपोजर के तौर पर मेरा पहला एल्बम हिमेश के दिल से मेरे म्यूजिक लेबल हिमेश रेशमिया मेलोडीज पर रिलीज होगा। इस गाने को सवाई भट्ट ने गाया है और हाल ही में उन्होंने अपना गाना भी रिकॉर्ड किया है। मैं जल्द ही एल्बम के पहले गाने की रिलीज डेट की घोषणा करूंगा। हिमेश इससे पहले इंडियन आइडल 12 के ही अरुणिता कांजीलाल और पवनदीप राजन के इमोशनल ट्रैक तेरे बगैर को रिलीज कर चुके हैं। हिमेश ने रानू मंडल को लॉन्च करके भी खासी सुर्खियां बटोरी थी।
शाहरुख खान, जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म पठान को लेकर काफी बज बना हुआ है। कभी शाहरुख के लुक पर चर्चा होती है तो कभी सलमान की गेस्ट अपीयरेंस पर। अब खबर है कि इस फुल पैक्ड एक्शन फिल्म के लिए प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा चार एक्शन डायरेक्टर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। इसमें साउथ अफ्रीका के स्टंट आर्टिस्ट क्रेग मैकरे होंगे, जो 8 जून को मुंबई पहुंच रहे हैं। जल्द ही वो पठान की टीम को ज्वाइन कर लेंगे। क्रेग, काटजा हॉपकिंस और चार लोगों के साथ मिलकर स्टंट कंपनी टाइटन स्टंट चलाते हैं। आदित्य चोपड़ा इन्हीं की टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। क्रेग की टीम इससे पहले मैड मैक्स फ्यूरी रोड, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, ब्लड शॉट और वॉर जैसी फिल्मों के लिए स्टंट सीक्वेंस डिजाइन कर चुके हैं। अगली खबर मलयालम एक्टर उन्नी मुकुंदन की, जिन्हें एक महिला पुलिसकर्मी की तारीफ करना भारी पड़ गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर महिलाओं के लिए जो पोस्ट किया उसे पढ़कर महिलाएं ही भड़क गईं। दरअसल हुआ ये कि उन्नी ने 27 जून की सुबह एक महिला पुलिसकर्मी की फोटो शेयर की। उसके साथ लिखा, महिला सशक्तिकरण बड़े सपनों से आता है, बड़ी बिंदी से नहीं। उनके इसी पोस्ट पर महिलाओं ने आपत्ति जताना शुरू कर दिया। केरल में बड़ी बिंदी पहनने को नारीवादी सोच से जोड़कर देखा जाता रहा है। कई लोगों ने उन्नी मुकुंदन की पोस्ट से ये भी समझा कि वो फेमिनिस्ट का बिंदी के संदर्भ में मजाक उड़ा रहे हैं। उनके पोस्ट के कमेंट सेक्शन में धड़ाधड़ फोटोज अपलोड होने लगे। महिलाएं बिंदी लगाए उनका विरोध करती दिखाई दी। द ग्रेट इंडियन किचन के डायरेक्टर जॉय बेबी ने भी उन्नी के पोस्ट पर कमेंट करके लिखा, डियर उन्नी, ये एक बुरा पोस्ट है। राइटर आयशा महमूद ने साड़ी और बिंदी के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, मैं यहां हूं उन्नी, बिंदी और साड़ी के साथ। एक्टिविस्ट अरुंधति बी ने भी इसी पोस्ट के विरोध में बिंदी के साथ अपनी तस्वीरें शेयर की। हो सकता है उन्नी मुकुंदन ने इंटेंशनली ऐसा पोस्ट ना किया हो, मगर बिंदी के बारे में कही गई उनकी बातें महिलाओं को पसंद नहीं आई। केंद्र सरकार के प्रस्तावित किए सिनेमेटोग्राफ एक्ट 2021 के खिलाफ कई स्टार्स विरोध जता रहे हैं। इसी बीच एक्टर से नेता बने कमल हासन ने अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने ट्वीट किया, लिखा, सिनेमा, मीडिया और साहित्य से जुड़े लोग भारत के तीन आइकॉनिक बंदर होने का जोखिम नहीं उठा सकते। बुराई के बारे में देखना, सुनना और बोलना ही लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिशों के खिलाफ एकमात्र दवा है। उन्होंने एक और ट्वीट किया, उसमें लिखा, कृपया कुछ करें, आजादी को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करें। सरकार ने नए प्रावधान को शामिल करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था। 2 जुलाई तक लोगों से इस एक्ट पर राय भी मांगी है। तो दोस्तों, बस आज के शो में इतना ही। अब मुलाकात होगी कल नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत शुक्रिया।